भाई क्या हुआ? दिख नहीं रहा क्या? पेट में भयंकर दर्द है यार। तू ये सब चिप्स, कोल्ड ड्रिंक ये सब खाएगा तो ऐसा ही होगा ना? या देख, सुना मत, कुछ सोल्यूशन है तो बता। रुक, टैक्टिक तो अच्छी। ये ले पपीता खा। इसे ऐसे ही खाऊं? इसे काटेगा छीलेगा कौन? घबराओ नहीं दोस्तों, फलहारी है ना, फलहारी भारत का सबसे बड़ा फ्रेश फ्रूट्स ब्रांड है। फलहारी से तुम ऑर्डर कर सकते हो 200 से ज्यादा फ्रूट सैलड, जूसेस, लस्सी, योगर्ट और भी बहुत कुछ, और 45 मिनट में तुम्हारे घर पर डिलीवर भी हो जाएगा। वेलकम टू शार्क टैंक। तो आप तीनों भाई हैं, दोस्त हैं, कैसे जानते हैं एक दूसरे को? हम लोग दोस्त हैं। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है 2013 में। मैंने 2013 में ग्रेजुएशन किया IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद 2 साल मैंने मैकेंजी में काम किया। 2013 से मैं और गुलशन हम लोग साथ में रहते थे गुड़गांव में, और गुलशन अपने एक दूसरे स्टार्टअप पे काम कर रहा था जो कि एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप था, फीस्टिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। 2 साल बाद हमें समझ में आया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें थोड़ा सा हैंड्स ऑन हो और जो कि एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, तो फलहारी की इस तरीके से स्थापना हुई। राहुल मेरा IIT बॉम्बे का बैचमेट था। हम लोग I did BTech। मैंने अपना BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया 2012 में। उसके बाद मैंने IIM बैंगलोर से अपना MBA किया 2013-15 में। और उसके बाद से मैं स्ट्रेटजी कंसल्टिंग कर रहा था दुबई में। फिर राहुल से बात करते हुए, जो कि मेरा इंजीनियरिंग का बहुत प्यारा दोस्त है, और गुलशन से कनेक्ट आते हुए मैंने फलहारी के साथ जुड़ना शुरू किया। मैं पहला इन्वेस्टर बना फलहारी का 2020 में, और उसके बाद अभी इस पूरे साल हम फलहारी को ग्रो कर रहे हैं गुड़गांव के 1-2 सेंटर से पूरे देश की बाकी सिटीज़ में। तो मैंने ग्रोथ इंचार्ज की तरह ज्वाइन किया, और इस साल हम इसको बढ़ा रहे हैं तीनों लोग मिलकर। ये प्रोडक्ट्स एक बार ट्राई करना चाहेंगे हम लोग? फल तो हम बहुत ट्राई कर चुके हैं। एक प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट, चलो ठीक है, कराओ कराओ। एक बात बताइए, आप गुलशन जी, आप CEO हैं कंपनी के या राहुल CEO हैं? मैं फाउंडर एंड CEO। चलो यार जूस पिला दो यार। फलहारी क्या कोशिश कर रहा है कि 25 जो भी सीजनल एग्जॉटिक प्रीमियम फ्रूट्स हैं मार्केट में अवेलेबल, वो कस्टमाइज्ड फॉर्म में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मेरे को अभी पहले ही समझाओ, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, सॉल्व क्या कर रहे हो? नहीं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्योंकि मेरे को भी फ्रूट चाहिए होते हैं। जैसे मैं ऑफिस में बैठा होता हूँ, मुझे चाहिए तो मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ऑफिस। मैं बिजनेस मॉडल समझना चाहता था। नीचे ठेले वाले से ले आओ। नहीं, मैं नहीं, ऑफिस में कौन लाता है ठेले वाले से, और कौन काटेगा ऑफिस में? वापस आते हैं यार, मैं 35 करोड़ रुपए महीने का फ्रूट बेचता था ग्रोफर्स में। जी, कोई फ्रूट के बारे में नहीं सोचता। मैं फ्रूट के बारे में सोचता हूँ। प्रॉब्लम है ऑफिस में, शाम को मुझे फ्रूट्स चाहिए और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे बताइए, वहाँ बात मत करिए। मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। मुझे ये बताओ आपके नंबर्स क्या, आपने क्या किया है और क्यों कर रहे हो? बस फ्रेश फ्रूट्स के अराउंड, ठीक है, अभी तक मार्केट में कोई ब्रांड बिल्ड नहीं हुआ है। जानना चाहूंगा। दिल्ली में एक है, मेरे को नाम नहीं आता रहा, उससे मैं फ्रूट्स लेता, लेकिन आजकल उसके ऐड नहीं आते, तो मेरे को ये लग रहा है ये लॉस तो नहीं हो रहा है इस बिजनेस से। तो आप प्रॉब्लम समझा रहे थे ना, फ्रेश फ्रूट्स का कोई ब्रांड नहीं है, तो अब ऐसा है। अच्छा सुन, फ्रूट स्मिथ, याद आ गया नाम, फ्रूट स्मिथ करता है वो काम। सर फ्रूट स्मिथ जो है वो होल फ्रूट्स और मतलब उसमें डील करता है। अगर वो फ्रूट लेके काट लूंगा तो वो भी तो फ्रूट स्मिथ, वो मैं खुद भी तो काट सकता हूँ। आप सर डेली सुबह उठ के 400 ग्राम फल खाते हो? जिसको खाना होता है वो खा लेता है, जिसको नहीं खाना है आप नहीं खा पाओ, तो आप आउट हो जाओ ना, हम आराम से बात कर लेंगे। अरे हो जाऊंगा यार मैं, तुमको क्या जल्दी है। आपका स्केल क्या है? लास्ट मंथ हम लोगों ने 20 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। उसके पिछले महीने 17। बहुत कम। और तो एक शेयर में आप 5 लाख का कर देगा फिर? चलो यार 6-7-8-10 पे, इसमें 20 लाख में से मार्जिन प्रॉफिट कितना बचता है? प्रॉफिट नहीं है ना, प्रॉफिट 25% हम लोग का मार्जिन है। माल खरीद के लाके अपने आप पे रखा और फिर से उठा लिया वो माल, उसमें 5% वेस्टेज होती है। फ्रूट का पील का वेस्ट अलग है, मतलब जो खराब होने का, बात नहीं कर रहा खराब होने का। यस, मैं 2 बात कहता हूँ। फर्स्टली ब्रांड इसमें बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये फ्रूट्स का बिजनेस है, तो वो वाला डिफरेंशिएटर तो आपका बनने वाला नहीं है। चलो ब्रांड नहीं बन सकता है, ना बने,
शायद आपने ऐसी बात हो जो आपने टेक्नोलॉजी यूज करके सप्लाई चेन को ऐसा तोड़ दिया कि आप सबसे कम दाम में फ्रूट बेच सकते हो, वो बात है तो समझाओ। सर मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोग हैं क्या और हम बेच क्या रहे हैं ना। ठीक है चलिए हम दो मिनट कुछ नहीं बोलेंगे। ओके दो मिनट आपके टाइम स्टार्ट। फर्स्ट थिंग वी आर नॉट फ्रूट सेलर्स। हमारा 95% से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है जो इनोवेशन हमने हमारी रेसिपीज में किया है, हमारे जूसेस, हेल्थ ड्रिंक्स और हमारे हेल्थ ओरिएंटेड फ्रूट क्लिनिक प्रोडक्ट्स। चार मेन इनोवेशन हमने किए हैं। फर्स्ट प्रोक्योरमेंट। एक प्रोडक्ट जो है उसको हम अलग अलग तरीके से मैनेज करते हैं कि कच्चा है तो सैलेड में यूज होता है, थोड़ा पका तो जूस में, गलने लग गया तो ब्लेंड हो जाएगा। तो इंडिया में कोई भी ब्रांड अगर केवल स्मूदी की बनाएगा, केवल फ्रेश फ्रूट की बनाएगा और केवल जूसेस की बनाएगा तो 40-50% वेस्टेज होगा। अनटिल एंड अनलेस एक बंदा फ्रूट की ब्रांड अक्रॉस वो फ्रूट जैसे उसकी एज हो रही है, जैसे वो गलता और बढ़ता जा रहा है, वहां वहां वो प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, वो वेस्टेज 5% पे नहीं ला पाएगा। जो सर की एकदम बात थी कि आप वेस्टेज 5% ला ही नहीं सकते हो, तो ये हमने प्रोक्योरमेंट साइड में क्रैक किया है। सेकेंड हमारा इनोवेशन इन द प्रोडक्ट। ये सारे प्रोडक्ट का जो टेस्ट है ये ओवर 6 ईयर विथ लॉट ऑफ इनोवेशन हमने मैनेज किया है। रेट एट विच वी गेट रिपीट कस्टमर इज सरप्राइजिंग। 70% ऑफ डेली कस्टमर रिपीट कस्टमर होता है। सो जो स्टिकीनेस है उसके कारण हम कोविड की वेव या किसी भी तरीके का डिसरप्शन सर्वाइव कर पाए। राहुल ने पर्टिकुलरली टेक पे इतना एडवांस काम किया है। हमारे पास दो चीजें जो फ्रूट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली क्रैक्ड है। वन, फ्रूट इज अ मैटर ऑफ वेरिंग प्राइजेस। हमारा जो प्राइसिंग जोमेटो स्विगी पे वो डायनामिकली ऐसे चेंज होता है कि डिस्काउंट ऐसे रन होते हैं जो फ्रूट सड़ने वाला है वो पहले बिकते हैं। दूसरी चीज जो फ्रूट की प्रॉब्लम है इज अ मैटर ऑफ चॉइस। मुझे 25 डिफरेंट फ्रूट्स चाहिए, मुझे एक्जोटिक फ्रूट्स चाहिए, मुझे ड्रैगन फ्रूट खाना है और मुझे 2 स्लाइस ऑफ कीवी खाना है, ये ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। तो कस्टमर की इन चॉइसेस के अराउंड हमारा एक कंप्लीट टेक है जो ये डिटेक्ट करता है कि आप सर आप वाटरमेलन रोज खाते हैं, आप सब्सक्राइबर क्यों नहीं बन जाते हैं। मैडम आप हर सैटरडे एक फास्ट करते हो जिसमें आप एक चीज खाती हैं, हम आपको एक फास्टिंग स्पेशल देते हैं एज अ सब्सक्राइबर एज अ डिस्काउंट। जैसे उसका रिपीट रेट आगे बढ़ता है उसको हम धीरे धीरे सब्सक्राइबर की तरफ मूव करके अपना डायरेक्ट कस्टमर बनाते हैं। एंड इस मॉडल पे, इस जर्नी पे हम अपने टेक के थ्रू वर्क कर रहे हैं। चलो सेल्स पिच तो बहुत अच्छी है। आप जो है ना, आप सीईओ छोड़ दो, इन्हें बना दो। इन्होंने वो जो कार्तिक आर्यन का मोनोलॉग था ना, जो प्यार का पंचनामा, वैसे दिया है। वेरी गुड।